हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों बात करना मतलब सहारा रिफंड पोर्टल के रिगार्डिंग में। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता हुआ कि लोकसभा चुनाव से जिस कारण सहारा रिफंड पोर्टल का जो वेबसाइट से जो कि अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था, लोकसभा चुनाव हो चुका और उसका रिजल्ट भी घोषित हो चुका है। और दोस्तों सहारा रिफंड पोर्टल है जो कि अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से काम अभी करता है। तो दोस्तों सहारा रिफंड पोर्टल पर फिर से रिसबमिशन अप्लाई करने का ऑप्शन आ चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोगों का भी पैसा सहारा इंडिया फंसा हुआ है और चाहते हैं उसको वापस लेना, तो दोस्तों एक बार फिर से रिसबमिशन अप्लाई कर दीजिए, क्या पता आपका पैसा कहीं वापस हो जाए। तो दोस्तों एक बार अप्लाई करने से क्या जाता है, चलिए एक बार अप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ कि रिसबमिशन अप्लाई कैसे करते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते सहारा रिफंड पोर्टल की वेबसाइट पर, मैं आपको वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे आप रिसबमिशन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते सहारा रिफंड पोर्टल की वेबसाइट पर। तो सबसे पहले आपको कोई एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने को यहाँ पर आपको सर्च कर देना है सहारा रिफंड पोर्टल। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे जो ऊपर मैं आपको लिंक दिखाया, सबसे फर्स्ट में आपको सेंट्रल रजिस्ट्रेशन आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जमाकर्ता पंजीकरण और जमाकर्ता लॉगिन। यहाँ पे देखिए नया यहाँ पे लॉगिन की यहाँ पे नया ऐड किया गया है, पुनः सबमिशन लॉगिन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नया वाला पोर्टल को लॉन्च किया कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस रहेगा। यहाँ पे होम है उसका, यहाँ पे रिसबमिशन लॉगिन आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आ जाए, नीचे आने को यहाँ पे आपको प्लीज इंटर सीआरएन नंबर यहाँ पे मांग रहा है। तो आपको सीआरएन नंबर कहाँ पे मिलेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ सीआरएन नंबर आपको कहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ से आपको बैक हो जाना है, फिर से कोई और बैक हो जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे जो पहले वाला पोर्टल था उस पर आ जाना, उसका यहाँ पे आपको जमाकर्ता लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको आधार नंबर लास्ट चार डिजिट यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर नीचे फिलअप करके ओटीपी प्राप्त करने पर क्लिक कीजिएगा, तो आपके नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम फिलअप कर देते हैं, नीचे मोबाइल नंबर को फिलअप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी प्राप्त करने पर क्लिक कर लेंगे। उसका मेरा नंबर पर ओटीपी आ जाएगा, यहाँ पर ओटीपी को फिलअप करके ओटीपी सत्यापित करने वाला बटन पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर ओटीपी आ चुका, चलिए यहाँ पर ओटीपी को हम पेस्ट कर लेते हैं। उसका यहाँ ओटीपी सत्यापित करने वाला बटन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो इससे पहले ऑनलाइन अप्लाई किए थे उसका यहाँ पर स्टेटस खुल करके आ चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो स्थिति यहाँ पर डिफरेंसी कम्युनिकेटेड, यानी कि मेरा जो अप्लाई किए थे उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर मुझे फिर से ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर चलिए जो आपको सामने दिख रहा है दावा, आपका दावा आवेदन संख्या, तो यही आपका सीआरएन नंबर है। तो इसको आप यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से यहाँ से बैक हो जाएंगे, फिर से एक और बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद यहाँ पर आपको फिर से उसी पर क्लिक कर देना है, पुनः सबमिशन लॉगिन पर। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, नीचे आने को यहाँ आपको जो दिख रहा है रिसबमिशन लॉगिन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने को यहाँ पे आपको जो सीआरएन नंबर यहाँ पे जो कॉपी की उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने को नीचे आपको कैप्चा, जो आपके सामने कैप्चा दिख रहा है उसको यहाँ फिलअप कर देना। चलिए कैप्चा को फिलअप कर देते हैं। यहाँ पे कैप्चा को फिलअप करने के बाद यहाँ आपके सामने जो दिख रहा है वैलिडेट, इस वाला बटन पे क्लिक कर लेंगे। वैलिडेट वाला बटन पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देख सकते कुछ यहाँ पर नोटिस दिया हुआ है। यहाँ फेज वन में लिखा हुआ है 0 से 10 हज़ार, जिनका भी पैसा सहारा इंडिया में 10 हज़ार के अंदर में जिनका भी पैसा फंसा हुआ उसको यहाँ पे 15 नवंबर 2023 से ऑनलाइन अप्लाई नया तरीका से कर सकते हैं, और जिनका पैसा 20 हज़ार से ज़्यादा है वो 25 तारीख से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो जिसका 20 हज़ार से ज़्यादा उसको यहाँ पर डेट नहीं दिया गया है। तो अगर आपका 10 हज़ार से अंदर है तो स्टार्ट हो चुका, अगर आपका 20 हज़ार है तो 25 तारीख के बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा 10 हज़ार से अंदर है, चलिए ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ वैलिडेट वाला बटन पे क्लिक कर लेंगे। उसका दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो कैप्चा फिलअप करने के बाद मेरे नंबर पर जिस जो भी आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस पर यहाँ पर ओटीपी आ जाएगा। यहाँ पर ओटीपी का फिलअप कर लेंगे, चलिए यहाँ पर ओटीपी को फिलअप कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नंबर पर ओटीपी आ चुका, चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं। उसका यहाँ पे इसको सिंपली पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने को यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई वाला बटन पे क्लिक कर लेंगे।
वेरीफाई होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑनलाइन अप्लाई आप आसानी तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी आपका गलती हुआ था सारा कुछ यहाँ से कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम इसको टर्म एंड कंडीशन वाला बटन पर क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक कर लेंगे, उसका नेक्स्ट वाला बटन पर क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट वाला बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो पर्सनल डिटेल है आपका आधार नंबर लास्ट चार डिजिट यहाँ पे शो हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम गेट ओटीपी वाला बटन पर क्लिक करते हैं, उसका मेरा आधार नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी को फिलअप करके वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो मेरा आधार कार्ड जितना भी डिटेल होगा ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। चलिए यहाँ पे हम ओटीपी को फिलअप कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा नंबर फिर से ओटीपी आ चुका। चलिए इसको हम कॉपी करते हैं, उसका सिंपली यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने जो दिख रहा है वेरीफाई ओटीपी इस वाला बटन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो वेरीफाई ओटीपी सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुका। चलिए इसको हम ओके कर लेंगे। ओके करने का यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जितना भी डिटेल फोटो जितना आधार कार्ड पर जो भी मेरा फोटो था ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है, यानी कि आधार कार्ड से KYC मेरा हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है ईमेल, तो अगर आपको देना था दीजिए, ना तो छोड़ लेंगे। उसका नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाला बटन पर क्लिक कर लेंगे। उसका यहाँ पर बोल रहा है गेट बैंक नेम, तो यहाँ पर आपको बैंक नेम पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ चुका है कि आधार स्टेट जो भी बैंक होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ चुका है, उसका नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो सहारा इंडिया में जो भी आपका जो जितना भी डिटेल आपके सामने अकाउंट नंबर आ जाएगा, मेंबरशिप नंबर आ जाएगा, उसका यहाँ पर रिसिप्ट नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपका टोटल अमाउंट यहाँ 5,000 रुपये शो हो रहा है, तो आपका जितना भी होगा इस तरह शो हो जाएगा। यहाँ पर उसके बाद आपको नेक्स्ट वाला बटन पर क्लिक कर लेंगे। उसके सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। तो आपको देख लेना है क्या यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डिफरेंसिंग कम्युनिकेटर यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको आपको सही करना है। आपको जो पेंसिल आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर लें। एक्शन वाला बटन पर क्लिक करने को यहाँ पे देख सकते हैं मेंबरशिप नंबर दिख रहा है, उसका यहाँ पर सहारा क्रेडिट कॉम्पिटेटिव सोसाइटी मेरा जो सहारा इंडिया क्रेडिट का नाम है शो हो रहा है। उसका यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर दोस्तों अकाउंट ओपनिंग डेट यहाँ पर देख 7/3/2009 है। उसका यहाँ पर नीचे आ जाएगा, नीचे आने को यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्म है जो आपको सहारा इंडिया में जो भी रिसिप्ट मिला होगा उसको देख करके आपको अच्छे से फिलअप कर लेना है। आप इसी तरीके से आप जो यहाँ पे गलती किए थे जो तरीके आपका गलती यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि कम्युनिकेटेड जो दिख रहा है डिफरेंसी कम्युनिकेटेड, तो यहाँ पर आपको नीचे आ जाना। नीचे आने का यहाँ पर आपको देख लेना है कि आप कहाँ पर गलती किए थे जिसके कारण आपका फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप आ करके अपना जो सहारा इंडिया का जो भी फॉर्म को रिजेक्ट किया गया जितने भी लोगों का रिजेक्ट हुआ सभी लोग इसी तरीके से आकर के आप फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं। रीअप्लाई करने के बाद दोस्तों आप इस बार है जो आपका एक महीना के अंदर में आपका पैसा जो रिटर्न देने का वादा है जो आपका पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए यहाँ बता दें, क्लेम डिटेल तक आ गए उसका यहाँ पर जेनेट यहाँ पर बोला कि रेमिनेशन फॉर्म, तो आपको यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेना। उसका फिर से आपको जैसे कि फोटो सिग्नेचर जो करना था इससे पहले उसी तरीके से करके फिर से यहाँ से देख सकते आपको यहाँ पे उसका दोस्तों यहाँ पे देख सकते लिखा होगा जनरेट रीसबमिनेशन फॉर्म का वो करना है। उसका यहाँ पे आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा 5 नंबर में, यहाँ पे 5 स्टेप तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।